आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेश चंद जी ने इनके संदर्भ में मैं और थोड़ा बता दूँ। ये अपने क्षेत्र पवा के रहने वाले मूल हैं, किसी वर्तमान में दिल्ली के पास रह रहे हैं और आप जो है NCR की मैं डायरेक्टर पद से जो है रिटायर होके बच्चे अभी काम करने में हैं, तो वहीं पर जो है आदर्श समय पर आदरणीय प्रिंसिपल साहब बहन अरुणा उपाध्याय जी, मैडम झा एवं अन्य स्टाफ तथा हमारे भविष्य की आशा प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज गणतंत्र दिवस है। मैडम झा ने पहले बताया आपके बीच में कुछ बच्चों को स्वतंत्रता दिवस और उसकी भी तो हमें भी थोड़ा कष्ट होता है सुन के कि मतलब हम बेसिक चीज़ों को जो है इतना इग्नोर कर रहे हैं या बिल्कुल जानकारी नहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारी भी कमी है, आपकी तो ढूंढना पड़ेगी, आपको खुद सुधार है। दूसरी गणतंत्र दिवस पर हमारे संविधान को लागू करने के लिए गणतंत्र दिवस हम उस रूप में मनाते हैं, लेकिन वास्तव में संविधान का जो है पालन कैसे हो, पालन कैसे किया जाना चाहिए, कैसे तो इसकी पालन में जो है सबसे पहले हमारी व्यक्तिगत भी अपनी अपनी जिम्मेवारी है। पहले तो उसको अब चूंकि आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो पढ़ना भी चाहिए, चाहे भले आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हो न हो, लेकिन कम से कम बेसिक चीज़ तो आपको मोटे तौर से जाननी चाहिए। साथ में उसके लिए जो है अधिकार के पहले जैसा डॉक्टर जैन ने कहा कि अधिकार के साथ साथ हमें अपने कर्तव्य के कर्तव्य का पहले वाहन होना चाहिए और कर्तव्य जो है किसी उसमें लिखा हुआ नहीं है, कोई उसके वो नहीं है, वो तो अपने संस्कार में लाना होगा, आपको अपनी आदत में लाना होगा और अपने घर से अपने निजी उससे कर्तव्यों का बोझ शुरू हो जाता है। फिर समाज में जब आप परिवार में गांव में अपने इर्द गिर्द नाते रिश्तेदारों में आपके अच्छे संबंध होंगे, अच्छे मतलब आपके कर्तव्य के दृष्टिकोण से आपका व्यवहार होगा, तो निश्चित रूप से समाज के लिए भी वो उपयोगी होगा। साथ में मैं एक चीज और आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि विद्यालय में जो है भी कुछ ऐसा करके जाओ जो कम से कम आपकी शिक्षा के आपके व्यक्तिगत उत्थान के लिए तो अच्छा होगा ही, हम लोगों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में होगा कि फला छात्र या फला छात्रा ने जो है इतने अच्छे नंबर स्कोर करके या इतनी अच्छी उपलब्धि लेके उसने जो है ये काम किया। मेरा इस संबंध में पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप लोग ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की क्या परेशानी होती है मैं खुद भूखी हूँ, खुद जानता हूँ उस सारी व्यवस्थाओं को और परेशानियों को, तो मैं समझता हूँ कि आपका सचमुच का जो है अगर मेहनत और कर्तव्य के प्रति आपकी के प्रति आपकी जागरूकता है तो निश्चित रूप से आप जो है अपने जीवन में खुद सफल होंगे और उस सफलता का जो फायदा है वो आपके परिवार के अलावा समाज को भी मिलेगा और वो तभी है संभव जब आप इसी में इसी समय गंभीरता से अपने प्रति अपने स्वरूप के प्रति अपने उत्थान के प्रति जो है सजग रहेंगे तो निश्चित रूप से आप उसमें जो है कामयाब होंगे।